हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी अचार। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत बेसिक मसाले से बनता है जो हमारे किचन में रहता है हमेशा। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और ये किस किस का फेवरेट है आप मुझे ज़रूर बताना। और मेरा तो फेवरेट है, एक्चुअली मैं अपने लिए ही बना रही थी, तो मैंने सोचा कि इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मैंने कढ़ाई लिया है, मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है। सरसों का तेल में टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए। अब मैं 5 फ़ोरन लूँगी, इसमें थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सौंफ और थोड़ा काला ज़ीरा है, तीनों को मिक्स करके मैंने थोड़ा सा बिल्कुल लिया है। इसमें इसको हम ऐड कर देंगे, इसे होने देंगे। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के आम लिया है, देखिए इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छे से हम कुछ जगह तक इसमें भून लेंगे। मैं आपको पीसेस दिखाती हूँ, मैंने बड़ा बड़ा पीसेस रखा है। देखिए देखिए, आम को मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा ऐड करें, और थोड़ा खट्टा पसंद है तो कम ऐड करें, ठीक है। मैंने 3 चम्मच ऐड किया है चीनी, और इसमें हम थोड़ा काला नमक डालेंगे, ठीक है। मैंने 1/2 टीस्पून तक डाला है, ठीक है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। इसे हम कुछ देर तक और बना लेंगे मीडियम, एक बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के। तो देखिए, मैंने कुछ सेकंड तक इसे 2-3 मिनट तक भुना है बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के। तो चीनी हमारा अच्छे से मेल्ट हो रहा है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें पानी वानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें हम अपना मसाला ऐड कर देंगे। मैंने भुना हुआ सौंफ लिया है 1 चम्मच, देखिए इस चम्मच से। और इसमें थोड़ा सा मैं मिर्च ऐड करूँगी, पाउडर मिर्चा, तीखा कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, ठीक है। देखिए मैंने थोड़ा सा बस ऐड किया है। अब भुना हुआ जीरा का पाउडर, ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे बस। और इसे हम थोड़ा और अच्छे से होने देंगे। अब अगर आप मसाला ज़्यादा ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं कम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा कम मसाला ही अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि वो उस टाइम वो आम का अच्छा फ्लेवर आता है पूरा, इसलिए मैं कम ऐड करती हूँ। और इसे हम अच्छे से और होने देंगे, ठीक है। देखिए ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे बस। आम हमारा गल चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर, देखिए आसानी से कट जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा थोड़ा सा और होगा, इसलिए मैंने थोड़ा पानी ऐड किया। और मैंने आम का बड़ा साइज़ लिया है, देखिए बड़ा साइज़ है, इसलिए थोड़ा सा मैं पानी ऐड किया। अगर आप थोड़ा छोटा साइज़ लेंगे तो वो चीनी में जब बनेगा तो वो खुद ही गल जाएगा, इसलिए इसे हम थोड़ा सा होने देंगे 2-4 मिनट तक बस, मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए खट्टी मीठी अचार हमारा बन के बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। देखिए मैंने इसे पानी ऐड करने के बाद 4 मिनट तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे बनाया है। अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। देखिए मैंने थोड़े से मोटे मोटे आम काटे थे इस तरीके से, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा बनाने में। अगर आप
पतले पतले काटेंगे तो और भी जल्दी बनेगा, और ये बहुत टेस्टी भी बनता है और बहुत जल्दी भी बनता है। इसे आप 10 डेज के लिए या फिर आप इसे 20 डेज के लिए आराम से इसको फ्रिज में रख के, और कांच के जार में, लेकिन कांच के जार में रख के एयर टाइट कंटेनर में उसको आप आराम से रख के खा सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।